अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक चॉकलेट सिरप की रेसिपी बताऊंगी। इसको चॉकलेट गनाची भी बोलते हैं और कोको पाउडर से बनेगी घर में, और आप इसको केक के ऊपर डेकोरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं। और लेकिन मैं केक के लिए बना रही हूँ तो मैं आपको दिखाने लगी हूँ मैं इसमें क्या क्या डालूंगी। हर्शीज़ का मैंने कोको लिया है, कोको पाउडर नेचुरल अनस्वीटेंड हाफ कप, ये वाला मैंने हाफ कप लिया है। इसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी 1 पिंच ऑफ सॉल्ट और 2 टीस्पून ऑफ कॉर्नफ्लोर और 1 कप मिल्क और ऑलमोस्ट 1 कप शुगर। तो मैं आपको दिखाती हूँ साथ साथ ऐड करते हुए। ये देखिए जी, मैंने इसके अंदर अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन 2 टीस्पून ऑफ कॉर्नफ्लोर डाला है और मैं इसको मिक्स करूँगी और उसके बाद मैं इसके अंदर जो ऐड करूँगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इतनी मैंने इसमें शुगर ली है, ऑलमोस्ट कप है। तो ये देखिए, इसके अंदर मैंने शुगर डाल दी है और अब हम इसको मिक्स करेंगे। आप पाउडर शुगर भी ले सकते हैं, मैंने ग्रैनुलेटेड शुगर ली है। मेरी ज़रा शुगर जो है वो ऐसे ही थोड़ी जो है वो पिसी हुई टाइप की है, बारीक। तो ये देखें जी, मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1 कप ऑफ मिल्क। ग्रेजुअली हमने डालना है, एक साथ नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके और मिक्स करना है। उसके बाद हम इसको चूल्हे पे पकाएंगे। ये देखिए, मैंने 1 कप ऑफ मिल्क ले लिया है, मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालूंगी और साथ साथ मिक्स करूंगी। मेक श्योर कि इसमें कोई लम्स ना रहे। तो अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है। उसके बाद मैं इसको चूल्हे पे रख के गाढ़ा करेंगे और वनीला एसेंस और बटर हम इसे डालेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ साथ साथ। ये देखिए, अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब हम इसको लो फ्लेम पे थिक होने तक पकाएंगे। ये देखिए, लो फ्लेम पे मैंने इसको रख दिया है और साथ साथ आपने मिक्स करते रहना इसको। तो जब तक ठीक नहीं होता आप इसको ऐसे मिक्स करते रहें और ये ठीक होगा तो आपने इसे ऑफ कर देना है। मैं आपको जब ठीक होगा तो दिखाती हूँ। ये देखें, ये ठीक हो गई है चॉकलेट सिरप। अब मैं इसको फ्लेम ऑफ करने लगी हूँ क्योंकि ये देखें अच्छा खासा ठीक हो गया। तो इतनी ही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए थिकनेस की, और अगर थोड़ी सी और भी हो जाए तो इट्स नॉट अ बिग डील। तो बड़ा मज़े का कलर और खुशबू आ रही है। तो ये देखें, ये देखें जी, अब हमारी जो है वो चॉकलेट सिरप परफेक्टली जो है वो थिक हो चुका है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दिया मैंने और अब मैं इसके अंदर डालूंगी बटर 1 टेबल स्पून। उसे बड़ी ग्लॉसी सी लुक आएगी, अभी आप देखिएगा। ये देखिए जी, 1 टेबल स्पून इसके अंदर बटर गया और अब हम इसको मिक्स करेंगे। Thank you.
इन पे मैंने बस ये वनीला एसेंस का जो है वो 1 टीस्पून डाला है, और अब मैं इसको मिक्स करने लगी हूँ फिर से। हमारी जो है वो मज़ेदार सी चॉकलेट फ्रॉस्टिंग, चॉकलेट सिरप, चॉकलेट गनाश की जो है रेडी है। और ये देखिए थिकनेस चेक करें आप इसकी। अब मैंने एक केक बनाया हुआ है, मैं उसके ऊपर इसको आपको दिखा भी देती हूँ कि मैं कैसे इसको डेकोरेट करने लगी। ये देखें जी, मैं ये सारा चॉकलेट डाल रही हूँ और अपने केक के ऊपर मैंने वनीला केक, सिंपल केक बनाया उसके अंदर नट्स डाल के, और अब मैं ये उसके ऊपर ये देखें चॉकलेट डेकोरेट कर रही हूँ चॉकलेट सिरप से। तो अभी आप लोगों को साइड लुक आ रही है, मैं पूरा आपको लगा के तो इसको आपको इसकी फाइनल लुक भी दिखाती हूँ। जी ये मैंने इसको चॉकलेट लगा दी है सिरप, और ये केक अब ऐसे लग रहा है, चॉकलेट केक बन गया है। और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा, ज़रूर बनाइएगा। और मज़ेदार से चॉकलेट केक, चॉकलेट वनीला मिक्स केक अपने घर वालों के साथ बना के खाएं, बहुत इजी है और बहुत यमी बनेगा। ये देखें जी मेरा, मैंने डेकोरेट कर दिया है और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। आप भी ऐसे ही बनाएं, डेकोरेट करें और अपने फैमिली के साथ खाएं, चाय के साथ, बर्थडे पे बनाएं, जैसे मर्जी बनाएं। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा, और बना के भी बताइएगा कैसा लगा। और खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। बाय, अल्लाह हाफिज़।